हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। यस, आज हम देखो स्काडा, सब लोग भाई स्काडा को आज बिल्कुल भाई सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्काडा कितना बड़ा बम का गोला है। क्या है स्काडा? पीएलसी हमने बेसिक समझा, थोड़ा सा स्काडा को भी बेसिक समझते हैं। स्काडा क्या चीज़ होती है? यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले होगी ना रनिंग करती हुई, तो ये देखो पंखा सा घूमता दिखेगा, इसमें ये पानी सा इधर ये तीर से चलते हुए दिखेंगे, ये ब्लोअर से हैं ये घूमते दिखेंगे, ये मीटर है इसमें सुई ऐसे दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर आपको दिखती हैं स्काडा के अंदर। स्काडा के अंदर हम क्या करते हैं ना, एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। वो कंप्यूटर का कोर्स है, वो हमारा जो कोर्स पीएलसी कोर्स है उसके साथ ही आप लोगों को फ्री मिल रहा है पीएलसी और स्काडा का, और 2 महीने का कोर्स है जितने में हम दे रहे हैं, कहीं मुझे नहीं लगता कोई दे रहा होगा। तो ये कैसे करेंगे, एनिमेशन कैसे बनाई जाती हैं और इन एनिमेशन को कैसे अटैच किया जाता है, क्योंकि वहाँ से जब कमांड मिलेगी ना तो ये पंखा घूमता हुआ दिखना चाहिए। तो इस तरह करके कुछ कमांड्स होती हैं जो हमें, जैसे मोटर से हमें कमांड मिल गई चलने की, तो उसी हिसाब से हम उसको एनिमेट करते हैं, उसको चलाते हैं। तो स्काडा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ, तो स्काडा एक डिस्प्ले टाइप में होती है भी, छोटी डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले या पूरा कंप्यूटर में हम कह दें उसको भी हम स्काडा हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो छोटी होती है उसको HMI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HMI। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी हम वही बोलेंगे भाई PLC। क्या उसी चीज़ में हेल्प करती है हमारी भाई HMI में हमने PLC अपना स्काडा डाल दिया है तो हमें दिख जाएंगी सारी चीज़ कैसे क्या है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस से भाई हाँ दिख गई, अगर वो नहीं होता, अगर सपोज HMI है खाली, तो HMI खाली है तो क्या करेंगे, HMI के कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दिखाने का काम कौन करता है? हमारा स्काडा करता है। दिखाने का काम कौन करता है? हमारा स्काडा करता है। तो मेरे ख्याल कुछ न कुछ तो दिमाग से ये निकल गया होगा, भाई स्काडा साला कौन सी तोप है अभी यार, ये 4-5 अक्षर हैं, इनका मतलब क्या होता है, वो मतलब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये तो यार लंबी सी, इतनी इंग्लिश तो मैंने आज तक नहीं सुनी जितनी यहाँ पर इसने बोल दी। तो भाई ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। सुपरवाइजरी भाई देखो, सुपरवाइजर से ही हम समझते हैं ये कहाँ से निकल के आया ये वर्ड सुपरवाइजरी, मतलब सुपरवाइजर से। एक सुपरवाइजर होता है, उसका क्या काम होता है? हाँ भाई, अरे ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे चल रहा है, सुपरवाइजर का ये काम होता है। तो उस डिस्प्ले पे क्या होता है भाई, सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कौन सी चीज़ क्या चल रही है, मतलब वो सुपरवाइजरी करता है। अरे मोटर बंद है तो वहाँ बंद दिखेगी, मोटर चालू तो चालू दिखेगी, पंखा घूम रहा है तो घूमता हुआ दिखेगा, तो मीटर में तो सुपरवाइजर भी हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, तो सुपरवाइजरी वो हो गया एक तरह से। ठीक है, कंट्रोल भाई सुपरवाइजरी तो ठीक है, सुपरवाइजरी के बाद में क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल क्या होता है, अरे तेरा कंट्रोल नहीं है लोगों पे, तेरे हिसाब से काम नहीं करते या कुछ भी है। तो कंट्रोल उसी तरह का कुछ आप इसको समझिए कि भाई जो मशीनें चल रही हैं, PLC है भाई, PLC से कमांड मिल रही है, तो इसमें क्या होगा कि डिस्प्ले भी रहता है भाई, मैंने उस पर इसके ऊपर जैसे आपने पीछे देखा था बटन दबा दिया, उसमें आपने पीछे देखे होंगे कुछ बटन आपने देखे होंगे, ये हरा बटन है, लाल बटन है, तो इस तरह बटन भी रहते हैं, टच वाला भी कुछ रहता है, या कंप्यूटर वाला होगा तो माउस लेके जाएंगे हम, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑन ऑफ भी इसको कर सकते हैं। तो कंट्रोल हो गया भाई, सुपरवाइजरी भी कर ली, अरे मैंने देख भी लिया, ये होगी सुपरवाइजरी, हाँ सब ठीक है जी, ये सब सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। दूसरा आ गया कंट्रोल का, दूसरा क्या आ गया कंट्रोल का, तो अभी कंट्रोल भी समझ में आ गया। और डाटा भाई देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मैंने भाई एक फ़ोटो खींचा, फ़ोटो क्या हो गया, वो डाटा हो गया एक तरह से भाई, फ़ोटो मुझे बाद में देखना है, या हम एक कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर पे एक्सेल पे मैंने कुछ सीट बना ली, मैंने PPT बना ली, ये बना ली, वो क्या है, डाटा है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए वो डाटा बनाते हैं, वो डाटा बनाते हैं। तो भाई जब तक इसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो इसके अंदर डाटा सारा आता है,
डाटा सारा आता है। तो वो सारी डाटा डाटा की बात करें, अभी पीएलसी से भी आएंगे जो कमांड्स आएंगे, हम जो पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, तो डाटा या कोई भी चीज़ किस तरह क्या है, चल रही है नहीं चल रही है, वो भी एक तरह से डाटा है। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होगा भाई, मतलब उसको इकट्ठा करना भाई, डाटा है, डाटा को स्टोर करना, डाटा एक्विजिशन करना, तो एक ही चीज़ होगी भाई, डाटा है। अब भाई ये क्या चीज़ होगी कहानी भाई, मैं फिर आपको पिछली स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ भाई। ये मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये मोटर, ये मेरा ना ब्लोअर था, ये 2 घंटे चला था, ये 1 घंटे चला था, और ये वाला मोटर ना मेरी 15 मिनट चली थी। अब कौन नोट करके रखेगा, इसके अंदर ना ये सारा अपने डाटा के अंदर उसको स्टोर करके रखता है, एक्विजिशन करके रखता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। तो उससे क्या होगा ना, सारी चीज़ें अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। हाँ भाई, हाँ डाटा स्टोर इस तरह से होता है। तो भाई कल मुझे देखनी है मेरी मोटर क्या है भाई, मैंने इतना साला पैसा लगा रखा है, इतना सिस्टम लगा रखा है, पीएलसी लगा रखा है, स्काडा लगा रखा है, एचएमआई भी लगा रखा है, और एक बंदा भी रख रखा है, अगर वो ये मुझे डाटा, भाई बंदा तो झूठ बोल सकता है जी, वो तो 1 ही घंटा चली थी, हाँ चलो भाई मुझे डाटा पे दिखाओ, सिस्टम पे दिखाओ मुझे, तो एग्जैक्ट डाटा वहाँ से मिलेगा, दैट इज डाटा एक्विजिशन। तो ये था भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्काडा ना छोटी सी चीज़ है। मैंने कोशिश की है इसको अच्छी तरह समझाने की, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। समझ में आएगी तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।